हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को 3 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। देहरा और नालागढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार ने शानदार जीत दर्ज की है। देहरा से सीएम सुखविंदर सिंह की पत्नी कमलेश ठाकुर ने बाजी लगाई। नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा ने जीत दर्ज की है। हमीरपुर से बीजेपी के आशीष शर्मा जीते। इस चुनाव में 13 उम्मीदवारों की सांस दांव पर लगी थी। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ से 13 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। 10 जुलाई को 70.72% मतदान हुई। देहरा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय कांग्रेस INC की कमलेश, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी, ने बड़ी जीत दर्ज की है। उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के होशियार सिंह और स्वतंत्र उम्मीदवार सुलेख देवी, अरुणा अंकेश सयाल और एडवोकेट संजय शर्मा मैदान में थे। हमीरपुर विधानसभा से भाजपा के आशीष शर्मा ने जीत ली है। उनके मुकाबले कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा और स्वतंत्र उम्मीदवार प्रदीप कुमार और नंदलाल शर्मा मैदान में हैं। नालागढ़ विधानसभा सीट से हरदीप सिंह बाबा ने भाजपा के KL ठाकुर को भारी मतों से हराया है। नालागढ़ से सोलमन पार्टी के किशोरीलाल शर्मा और स्वतंत्र उम्मीदवार गुरनाम सिंह, हरदीप सिंह और विजय सिंह भी चुनाव मैदान में अपना भविष्य आजमा रहे थे। 10 जुलाई को हुए 3 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 पर कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है।